तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे बूढ़े बर्लिन से, जो अपने बेटे इयान के साथ एक शॉप में खट्टी टॉफी लेने पहुंचा। तभी बर्लिन ने वहां से 4 बियर चुरा ली, जिन्हें इयान ने अपनी जहरीली आंखों से गायब कर दिया। तब बर्लिन ने खट्टी टॉफी का पैकेट खरीदा, जिसके बाद वो यहाँ से भागते कि तभी उन आंटी ने देख लिया कि उनकी 4 बोतल गायब हैं। अब उन्होंने उनकी कार रोकी, जिसमें कि इयान था ही नहीं, क्योंकि उसने तो यहाँ खड़े होकर फिर से अपनी आंखों का जादू दिखाया, जिससे उन आंटी को ऐसा लगा जैसे उन्हें एक खट्टी नहीं बल्कि लोहे की गोली मिली हो। इतने में यहाँ पुलिस भी पहुंची, जिसने देखा कि इन अम्मा को कोई गोली नहीं लगी। अब इयान और बर्लिन तो यहाँ से भाग गए, लेकिन तभी पुलिस इनका पीछा करने लगी। और भाई साहब, मूवी के शुरुआत में ये जो चेसिंग सीन था ना, मजा आ गया। तभी इयान बर्लिन से बोला कि मैं चाहूं तो अपनी पावर से एक बैंक भी लूट सकता हूं, तो फिर हम ये चिंदी चोरी क्यों करते हैं। बर्लिन ने उसे मना कर दिया कि मेरे सस्ते जादूगर बेटे, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अपनी बहसबाजी में इन्हें याद आया कि इनके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है, जिससे निपटने के लिए इयान ने उस ऑफिसर का दिमाग कंट्रोल करना शुरू किया, जिससे ऑफिसर को लगा कि जैसे वो धूम 4 की शूटिंग में हो। और ये लो, हो गई शूटिंग। लेकिन अचंभे की बात यह है दोस्तों कि असल में कोई गाड़ी पलटी ही नहीं। खैर, इयान के पीछे ये एंड्रियाना भी लगी हुई थी, जिसका मकसद हमें वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। यहाँ ये बाप बेटे अपनी शिप में पहुंचे, जहाँ वो काफी सालों से छुपकर रह रहे थे। और वो छुप क्यों रहे थे, क्योंकि इयान एक नॉर्मल बच्चा था ही नहीं, उल्टा उसके पीछे काफी एजेंसी भी लगी हुई थी। तब बर्लिन उसे समझाने लगा कि मैं जानता हूँ तुम बाहर जाना चाहते हो, लेकिन ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। ये सुनकर इयान अपना गुस्सा बेचारी इस लड़की पर, लकड़ी पर निकालने लगा। यहाँ वो धूम वाला ऑफिसर अपनी कहानी बता ही रहा था कि तभी सुनियो जैसे छंगे ने ऑफिसर को नीचे लुढ़का दिया, क्योंकि छंगा एक परसीवर था जिसमें इयान जैसी ही पावर्स होती है। अब रात होते ही एजेंसी फोर्स उस शिप के पास पहुंच गई, जहां उन्होंने बर्लिन को तो गन पॉइंट पर ले लिया, लेकिन वहां उन्हें इयान नहीं मिला, क्योंकि वो तो यहाँ मॉल में आया हुआ था, जहाँ पर ये छंगा भी पहुंच गया। तभी उसने आए एजेंसी के लोगों की बुक्की भर दी, क्योंकि असल में वो भी इयान को पकड़ना चाहता था। तभी उसने इल्यूजन क्रिएट किया, जिससे सारी एजेंसी फोर्स इधर उधर गायब हो गई, जिसके बाद वो इयान को पकड़ता कि तभी एंड्रियाना के लोग इयान को अपने साथ ले गए, क्योंकि एंड्रियाना का एक मुस्टंडा छंगे को एक मास्क पहनाकर अपने साथ ले गया, और मास्क उसने इसलिए पहनाया ताकि छंगा अपनी आंखों से किसी को कंट्रोल ना कर सके। लेकिन जल्दी ही छंगे ने अपने रंग में आकर उस मुस्टंडे के छोटे अंडे गायब कर दिए। इतने में यहाँ एक टकला भी आया, जिसको एक घूसे में छंगे ने बेहोश कर दिया। यहाँ एजेंसी इयान को वापस शिप पर ले गई, जहाँ एंड्रियाना ने उसे समझाया कि वो आदमी, मतलब अपना छंगा, काफी खतरनाक है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तब इयान बेचारा कुछ सोच पाता कि तभी उसने बर्लिन को देख लिया, जिसके बाद एंड्रियाना ने इयान को एक मास्क पहनाकर सांप की तरह उसका खून चूस लिया, मतलब अपने डिवाइस से निकाल लिया। यहाँ छंगे ने भी उनका रास्ता रोकने के लिए अपनी जहरीली नजरों से एक एक्सीडेंट कराया। अरे भाई साहब, तब एंड्रियाना ने ऑर्डर दिया कि गाड़ी चलाते रहो और देखो यहाँ तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, ये सिर्फ छंगे भाई साहब का एक इल्यूजन था। अब ये अपनी लैब में पहुंचे, जहाँ डॉक्टर ने इयान का मास्क उतार दिया। तब एंड्रियाना ने उसे बहुत कुछ समझाया, लेकिन इन शॉर्ट सबका मतलब यही था कि तुम्हारी जैसी पावर वाले और भी लोग हैं, जिनमें सबसे ताकतवर मूल है, तो हम तुम्हारी पावर से उस मूल को हराना चाहते हैं, क्योंकि वो इस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब वो बोली कि अगर तुम अपने पापा से मिलना है तो तुम्हें मुझे अपनी पावर से एक बड़ा समुद्र दिखाना होगा, जिसे इयान ने दिखा तो दिया लेकिन जल्दी बंद भी कर दिया कि पहले तुम मुझे मेरे बाबा से मिलवाओ। तब एंड्रियाना ने इयान को उसकी माँ उर्जुला की फोटो भी दिखाई, जिन्हें इयान ने बचपन में ही खो दिया था।
अब उसे बर्लिन से मिलवाया गया, जहां बर्लिन भैया तो दारू पीकर पड़े हुए थे। तब एंड्रियाना ने इयान को भड़काना शुरू किया कि तुम्हें एक बार अपने पापा के दिमाग को पढ़ना चाहिए। तब इयान ने पहली बार बर्लिन का दिमाग पढ़ा, जिससे उसे पता चला कि असल में पहले बर्लिन एंड्रियाना के लिए ही काम करता था, जहां एक दिन उसने इयान को उर्जुला से चुरा लिया। मतलब असल में बर्लिन उसका बाप है ही नहीं। अब अगले दिन लैब में एक डॉक्टर पहुंचा जो इयान पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। तभी यहाँ ये एस्टर नाम की लड़की आई, जो इयान को अपने साथ यहाँ से भगाने लगी, जिस बीच उसने एजेंसी के काफी गार्ड्स को टेढ़ा मेढ़ा भी कर दिया। अब इन सबको खुराक देकर वो इयान को यहाँ से बाहर ले गई, जिसमें इनके साथ बर्लिन भी था। तभी अंदर डॉक्टर ने सबको अपनी जहरीली दवाई दे दी, क्योंकि ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि छंगे भाई साहब थे जो यहाँ इयान को पकड़ने आए थे। लेकिन वो तो यहाँ से भाग गया, भागा नहीं, एक्सीडेंट करा लिया। तभी यहाँ छंगा पहुंचा, जिसके देखने से पहले ही इयान ने अपनी गाड़ी को इनविजिबल कर लिया। अब अपनी टूटी फूटी हालत में ये खोली में पहुंचे, जहाँ इयान ने एस्तर को उठाकर पूछा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। एस्तर बोली कि मैं जानती हूँ वो लोग तुम पर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से बचा लिया। अब इयान को अपने बारे में और जानना था, इसलिए उसने बर्लिन के दिमाग में और झांका। तो अब ये खबर निकल कर आई कि जब बर्लिन एंड्रियाना का एम्प्लॉय था, तो एंड्रियाना ने अपने बॉस के कहने पर उर्जुला मतलब इयान की मॉम पर काफी एक्सपेरिमेंट किए, जिस बीच बर्लिन इयान को लेकर वहाँ से भाग गया। इसी बीच उसे एक एड्रेस भी दिखा, जिसको थोड़ा ज्यादा याद रखना। अब एस्तर अपना नहाने चली गई कि तभी यहाँ छंगा पहुंचा, जिसके लिए इयान ने पहले इस कमरे की दशा बदल दी, लेकिन शीशे में साफ दिख गया कि यहाँ पर इयान मौजूद है। तब इनके बीच एक लड़ाई हुई, जिस बीच छंगा बोला कि जरूर तुम्हें एंड्रियाना ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा, जबकि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन जब इयान नहीं माना, तो छंगे ने उसे याद दिलाया कि असल में वो एड्रेस उसी एक्सपेरिमेंट लैब का था, जहाँ पहले उसकी मॉम पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। ये समझाकर छंगा यहाँ से चला गया। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ बर्लिन आया, जिस पर इयान गुस्सा करने लगा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरे बाप हो ही नहीं। बर्लिन बोला कि हाँ, मैं तुम्हारा डैड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानता हूँ। लेकिन इयान खुद को ढूंढने की राह में अगले दिन उस एड्रेस के लिए निकल गया, जहाँ एजेंसी भी उसका पीछा कर रही थी। अब ये एक जेल जैसी जगह में पहुंचे, जहाँ इयान को अपने सपनों वाला कमरा दिखा। तभी वो दीवार चेक करने लगा, जिसकी तोड़ फोड़ करके इन्हें इस स्टेशनरी में इयान की मॉम उजरुला की फाइल मिली। अब और छानबीन से उन्हें पता चला कि असल में ईस्थर छंगे से मिली हुई है। तब छंगे ने सारी कहानी बताई कि असल में वर्ल्ड वॉर टू के वक्त सरकार ने इन्हें एक सीक्रेट प्रोग्राम से बनाया था, जिसमें कि उजरुला भी शामिल थी। तब इन्होंने वो वॉर तो जीत ली, लेकिन फिर गवर्नमेंट को लगा कि अब ये लोग हमारे किसी काम के नहीं है, साथ ही ये हमारे अगेंस्ट भी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने एजेंसी के हाथों इन प्रोग्राम द्वारा बनाए गए लोगों को मरवाना शुरू किया। तब इनकी मदद मूलने की, जो कि सबसे शक्तिशाली परसीवर है, सरकार ने इन्हें ऐसा बनाया था कि ये कोई बच्चा पैदा ना कर पाए, लेकिन छंगे और उजरुला के डेटा ट्रांसफर से इयान पैदा हो गया। साथ ही इनके पास ऐसी पावर भी थी जिससे ये इंसान का दिमाग कंट्रोल करके उसकी बॉडी से भी कुछ मर्जी करा सकते थे। इतने में यह एजेंसी फोर्स आ गई, जो फोर्स कम और काला जादू करने वाले लोग ज्यादा लग रहे थे। खैर, इनकी आहट से छंगे ने इयान को ऑर्डर दिया कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे घर स्पेन में जाकर देख सकते हो। लेकिन उससे पहले ईस्तर और छंगा उन एजेंसी के लोगों से लड़ने लगे, जिसमें एजेंसी वाले छंगे को राजकुंद्रा बनाकर यहाँ से ले गए। लेकिन जैसे तैसे ईस्तर इयान को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग निकली। अब लैब में छंगे की टेस्टिंग शुरू हुई, जहाँ सब लोग उसके पास जाने में डर रहे थे। तभी छंगे ने इनसे एक गिलास पानी मांगा, जिसके लिए इन्होंने यहाँ एक रोबोट भेज दिया। लेकिन तभी छंगे ने अपना दंगा दिखाकर मास्क पहने हुए भी उस रोबोट को हैक कर लिया,
जिसके मदद से उसने यह खूब तोड़फाड़ी शुरू कर दी, जिसके बाद वो यहाँ से बड़ी आराम से निकल गया। दूसरी तरफ इयान और ईस्थर छंगे के घर पहुंचे, जहाँ छंगे ने इयान की माँ उजरुला को जिंदा रखा हुआ था। इतने में यहाँ छंगा भी पहुंच गया, जिसके बाद इयान ने अपनी माँ का दिमाग पढ़ा कि कैसे उसकी माँ पर एजेंसी वालों ने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे। छंगे ने बताया कि जिस फॉर्मूला से हम सब बने वो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे अंदर डाल दिया, इसलिए अब वो फॉर्मूला तुम मुझे बता सकते हो ताकि हम बहुत सारे परसीवर बनाकर एजेंसी को खत्म कर सके। अब ये होश में आए जहाँ इसकी माँ भी होश में आ चुकी थी, लेकिन ये एजेंसी वाले भाई साहब यहाँ स्पेन में भी पहुंच गए, जहाँ इन्होंने सबको गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन अब इयान ने इन्हें अपनी असली पावर दिखाई कि कैसे वो उनके माइंड के साथ साथ बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मदद से उसने भारी मात्रा में एजेंसी फोर्स को इधर उधर कर दिया। इतने में यहाँ एंड्रियाना भी पहुंची, जिसका इयान गेम बजाता कि तभी एंड्रियाना उसे समझाने लगी कि असल में वो तुम्हारी मॉम नहीं बल्कि छंगे का इल्यूजन है। छंगा उसे ऑर्डर देने लगा कि मार दो इसे, लेकिन इतने में यहाँ बर्लिन पहुंच गया, वो भी उसे समझाने लगा कि हाँ छंगा तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। अब इनका कुछ गुना भाग होता कि तभी छंगे ने बर्लिन के दिमाग को कंट्रोल करके उसे गोली खिलवा दी। तब इयान भागता हुआ उसके पास आया। बर्लिन बोला कि तुम सब कुछ जानना चाहते थे ना, तो अब जान लो। तब इयान ने बर्लिन के दिमाग में देखा कि असल में उजरुला ने ही बर्लिन को कहा था कि तुम एक अच्छे आदमी दिखते हो तो प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, और तभी बर्लिन इयान को लेकर ये एजेंसी छोड़कर भाग गया था। इतने में यहाँ छंगा भी ईस्थर को कोने में लेकर चला गया। अब बर्लिन के मरने के बाद इयान ईस्थर को ढूंढने भागा, जहाँ उसने सारे लोगों को साइड में कर दिया। तब छंगे ने बाकी लोगों का माइंड कंट्रोल करके इयान पर अटैक कराया, जिनसे इयान ऐसे लड़ने लगा जैसे वही मूवी का हीरो हो। वैसे हाँ भाई, तो है मूवी का हीरो। खैर, तभी एक आदमी इयान का खेला करता कि इतने में उसे एंड्रियाना ने बिछा दिया। छंगा बोला कि अगर तुम आगे आए तो मैं इस ईस्थर को मार दूंगा। भाई जब तेरे को भागना ही था तो इयान की लड़ाई के बीच भाग जाता। ओ सॉरी, मूवी में तो जल्दी से एंड करनी है। तब एंड्रियाना ने बताया कि असल में यहाँ कोई ईस्थर है ही नहीं, ये सिर्फ छंगे का इल्यूजन है। यही सोचकर इयान ने छंगे को अपनी गोली से मार दिया, और सच में वो ईस्थर छंगे की इल्यूजन ही थी। इतने में यहाँ असली ईस्थर पहुंची, जिसका इयान से मिलन हो गया, जिसके बाद इयान ने बर्लिन की बॉडी को दफना दिया। तब एंड्रियाना उससे बोली कि हमें वो फॉर्मूला दे दो जिससे हम मूल को हरा सकें। इयान बोला कि इसके बारे में सोचूंगा। यही कहकर वो गाड़ी में बैठ गया, जहाँ ईस्थर पहले से बैठी थी। एंड्रियाना का बॉस उससे बोला कि अगर इसने हमें फॉर्मूला नहीं दिया तो हम इसे जिंदा भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन एंड्रियाना बोली कि अगर इसने हमारी मदद नहीं करी तो हम इसे कभी भी मरवा देंगे। और शायद यही बात इयान को पता चल गई, जिसके बाद उसने इस माइंड कंट्रोल वाली निगाह से इस मूवी का एंड कर दिया, जिसका मतलब कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन कौन से जन्म में आएगा वो किसी को नहीं पता। अब चलो आज के शाउट आउट देखें, जहाँ समीर भाई कह रहे थे कि ब्लैक लोगों की पार्टी में कोई नहीं दिख रहा था, भाई आपको ब्राइटनेस बढ़ानी चाहिए थी। ठाकुरी गेमर का कमेंट आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। संजय भाई और प्रबल मीर सिंह को शाउट आउट। और हाँ, कुछ लोग हॉरर मूवी चाहते हैं, तो भाई मैं हॉरर मूवी लाता तो हूँ लेकिन अब देखते ही नहीं हूँ। तो चलो अभी के लिए अपने चैनल की बेस्ट 2 हॉरर मूवीज ये रही। अब इन पर अगर मुझे अच्छा रिस्पांस दिखा तो पक्का एक हॉरर मूवी आ जाएगी। अब ये वीडियो कैसी लगी लाइक कॉमेंट करके बताओ, साथ ही सब्सक्राइब बटन में उंगली करना मत भूलो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।